पंचघृत आहुति मंत्र से 5 बार घी की आहुति मंत्रों के द्वारा, और स्वाहा कहे तो सबको स्वाहा एक साथ बोलेंगे, यानी हम सबके साथ में ये अभियान पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहे। ये योग की अग्नि कभी बुझे नहीं, हमेशा ये प्रज्वलित होता रहे। ओम अयंतैकमय आत्मा जातवेदस्य निदस्वर्धस्व चेदवर्धे चाश्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्चसे नान्याधे न समेधया स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतैकमय आत्मा जातवेदस्य निदस्वर्धस्व चेदवर्धे चाश्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्चसे नान्याधे न समेधया स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतैकमय आत्मा जातवेदस्य निदस्वर्धस्व चेदवर्धे चास्मान् प्रजा पशु भी ब्रह्मवर्चसे नान्याधे न समेधया स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतैकमय आत्मा जातवेदस्य निदस्वर्धस्व चेदवर्धे चास्मान् प्रजा पशु भी ब्रह्मवर्चसे नान्याधे न समेधया स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतैकमय आत्मा जातवेदस्य निदस्वर्धस्व चेदवर्धे चास्मान् प्रजा पशु भी ब्रह्मवर्चसे नान्याधे न समेधया स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अभी हम लोग घी को अग्निदेव को समर्पित किए कि हे परमात्मा, हे अग्निदेव, आप अपने प्रचंड रूप में, आप अपने इस विराट स्वरूप में उपस्थित रहिए, और जैसे अग्नि अपने को जला करके खपा करके भी पूरे संसार को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है, पोषण करती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी कितना भी संघर्षों में रहे, कितना भी कष्टों में भी रहे, फिर भी आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हुए इस जीवन को सबके सेवा में हमेशा समर्पित करते रहना है। ओम।